नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा पुरा। दोस्तों, आज हम आपको 21 दिनों की योगा सीरीज में संतुलन को बढ़ाने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। इन अभ्यासों को करने से हमारे पैर काफ़ी मजबूत बनते हैं और यह अभ्यास हमारे संपूर्ण शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को दुरुस्त रखते हैं। दोस्तों, जिन लोगों को फ्लैट फिट की समस्या होती है, उन लोगों ने इन अभ्यासों को नियमित अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। आइए देखते हैं कि शारीरिक संतुलन को बढ़ाने वाले इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, संतुलन बढ़ाने वाले अभ्यासों में सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे संतुलन आसन, जिसे प्लैंक अभ्यास भी कहा जाता है। यह अभ्यास को करने से हमारे शरीर की ऑलराउंड फिटनेस होती है। जिन लोगों को बेली फैट की समस्या होती है, हिप्स और थाई में बड़ा हुआ फैट होता है, इस अभ्यास को करने से दूर होता है। सबसे पहले आपने ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे ही बैठ जाते हैं और फिर अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर आते हैं और फिर ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे सीधा करते हुए ऐसे सीधे अपने शरीर को बिल्कुल सीधा कर लेते हैं और ऐसे सीधे देखते हैं। कम से कम 30 सेकंड, फिर 1 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखिए या फिर अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे आधे फीट का भी ऐसे स्पेस रख लेते हैं। दोस्तों, यह अभ्यास दिखने में बहुत आसान है, लेकिन इससे अगर आप होल्ड करके प्रैक्टिस करते हैं तो यह एक चैलेंजिंग पोस्चर है। इस अभ्यास को करने से हमारी कोर मसल्स काफी स्ट्रांग बनती है। फिर इसके बाद इसे करने के बाद हम साइड प्लैंक की पोजीशन पर आएंगे। ऐसे अपने शरीर का समस्त भार आपने अपने राइट हथेली पर और अपने लेफ्ट हथेली पर और लेफ्ट पंजे पर पैर पर ऐसे रखते हुए और ऐसे साइड प्लैंक की पोजीशन पर आते हैं। अपने बाजू को ऐसे कान के पास सटा लेते हैं। ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करने की कोशिश करें या फिर अपने पंजे को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे आगे को ले आते हैं। तीस सेकंड, फिर 1 मिनट और कम से कम 2 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और फिर ऐसे प्लैंक पोजीशन पर आते हैं। फिर दूसरी साइड से ऐसे साइड प्लैंक की पोजीशन पर आइए। अपने बाजू को ऐसे अपने कान के पास सटा लीजिए। ऐसे अपने पैर को भी ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं। कम से कम 1 मिनट तक ऐसे ही साइड प्लैंक की पोजीशन पर रहते हैं। फिर इसके बाद आपने ऐसे और इसके बाद आपने चाइल्ड पोज में रिलैक्स करना है। दोस्तों, शारीरिक संतुलन बढ़ाने वाले अभ्यासों में अब हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे पाद अंगुष्ठ आसन। यह भी एकाग्रता का एक कठिन अभ्यास है और इस अभ्यास को करने से हमारे पैर काफ़ी मजबूत बनते हैं। ऐसे ही आपने सबसे पहले ऐसे ही काकासना की पोजीशन पर ऐसे ही बैठ जाते हैं और ऐसे अपने दोनों घुटनों को ऐसे अपने पेट की तरफ प्रेशर देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपने ऐसे ही अभ्यास को प्रैक्टिस करना है। जब आप ऐसे ही कागासना में एक आरामदायक स्थिति में बैठ लेते हो तो इसके बाद आपने अपने शरीर का समस्त भार अपने पंजों पर ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने दोनों हथेलियों को ऐसे अपने पैरों के पास रखकर सबसे पहले ऐसे ही बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। आपने अपने शरीर का समस्त भार अपने पंजों पर रखना है। एड़ियां ऊपर की तरफ रहेंगी, एड़ियों पर बैठते नहीं है, एड़ियों को हल्का सा टच करते हैं और ऐसे सीधे देखते हैं और फिर ऐसे अपने दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा बनाकर किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए इस अभ्यास को प्रैक्टिस करें। आपकी एकाग्रता आपके शारीरिक संतुलन पर ही होगी और फिर इसके बाद ऐसे अपने हील को जमीन पर रख लेते हैं। एक बार हम साइड से करके दिखाएंगे। ऐसे आपने कालासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और ऐसे अपने घुटनों को ऐसे अपने पेट की तरफ प्रेशर देने की कोशिश करते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने शरीर का समस्त भार अपने पंजों पर ऐसे रखते हैं। एड़ियां ऊपर की तरफ रहेंगी, एड़ियों पर बैठना नहीं है, एड़ियों को खाली हल्का सा टच करते हैं और फिर ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाकर किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए अपने शरीर का बैलेंस बनाने की कोशिश करें।
और फिर ऐसे धीरे धीरे ऐसे अपने हील को जमीन पर रख लेते हैं। दोस्तों जब आप ऐसे ही सभ्यास को एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर लेते हो तो इसके बाद हम पाद अंगुष्ट आसन को प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही आपने कागासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं और फिर अपने अपने शरीर का समस्त भार अपने राइट पंजे पर आपने रखना है और अपने लेफ्ट पैर को उठाकर राइट थाइस के पास रखना है, यानी कि आपने अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर आना है। ऐसे ऐसे अपने पैर को उठाकर ऐसे रख लेते हैं और ऐसे किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पंजों के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने लेफ्ट पैर को उठाकर राइट थाइस के पास आपने ऐसे रख लेते हैं, ऐसे अर्ध पद्मासना को लगा लेते हैं और ध्यान रहे कि आपका राइट पैर का घुटना जमीन को स्पर्श न करने पाए। और फिर ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं और ऐसे सीधे देखते हैं, किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं या फिर अपने दोनों बाजुओं को ऐसे कान के पास सटाते हुए ऐसे अपने शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करने की कोशिश करें। और फिर ऐसे अपने पंजे को जमीन अपने पैर को जमीन पर रख लेते हैं। ऐसे ही सभी आपको दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अब आप अपने लेफ्ट पैर को के पंजे के बल ऐसे बैठ जाना है और फिर अपने राइट पैर को उठाकर ऐसे रख लेते हैं और ऐसे संतुलन बनाते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं। अपने शरीर का समस्त भार आपने अपने पंजों पर रखना होता है। और फिर ऐसे अपने पैर को जमीन पर रख लेते हैं।